तुम बात कर रहे थे पहले चार्ट की, तो चार्ट के टाइप मैंने समझाया कॉलम कंपैरिजन के लिए, बार चार्ट जो होता है वो कॉलम और बार चार्ट कंपैरिजन के लिए, लाइन चार्ट ग्रोथ के लिए, ट्रेंड एनालिसिस के लिए, पाई चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। एरिया भी उसी का भाई है, बस ये कि उसमें ये भी साथ में दिखा देता है, बाकी अदर चार्ट सब इसी में से ही मिले जुले हैं। ये तीन तरह के चार्ट काम में आते हैं, कंपैरिजन, ग्रोथ और ट्रेंड एनालिसिस, वो डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी, तो देखिए कोई भी चार्ट जो हम बनाते हैं उनकी फॉर्मेटिंग को देखते हैं, कैसे कैसे फॉर्मेटिंग होती है उनकी। अब देखिए इसके ऊपर कोई भी चार्ट लगाते हैं आप, बस आपने क्या करना है, सिलेक्ट करना है और कोई भी चार्ट क्लिक करेंगे चार्ट लग जाएगा। ठीक है जी, अब इनकी फॉर्मेटिंग क्या होती है, चार्ट की फॉर्मेटिंग क्या होती है, हम इसके ना अलग अलग पार्ट होते हैं। ठीक है जी, इसका टाइटल अलग होता है, सब कुछ। चार्ट के लेआउट आप यहाँ से देख सकते हैं, अलग अलग तरह के लेआउट हैं, जैसे एक स्टैंडर्ड में ले लेता हूँ। तो ये पार्ट्स होते हैं आपके चार्ट के, पहला जो है ये है टाइटल। ठीक है जी, टाइटल होता है चार्ट का, जो पीछे का जो बैकग्राउंड दिख रहा है आपको, ये चार्ट एरिया है। ठीक है जी, यहाँ क्लिक करूंगा तो ये जो कॉलम जिसमें दिखा रहा है इसको कहते हैं प्लॉट एरिया। ठीक है, इनको सीरीज कहते हैं, डेटा पॉइंट्स। ठीक है, ये ग्रिड लाइंस होती हैं, ये लाइंस है, ये ग्रिड लाइंस होती हैं, ये लेजेंड होते हैं आपके, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है जी, तो हर एक पार्ट की जो है फॉर्मेटिंग भी ही अलग होती है। इसके लिए फॉर्मेट करने के लिए राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट चार्ट एरिया। ठीक है जी, अब इस पे जैसे किसी भी एरिया को फॉर्मेट करना है तो आपको बार बार जाके राइट क्लिक करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये डेटा सीरीज का ऑप्शन दिखा देगा, इधर क्लिक करेंगे प्लॉट एरिया का ऑप्शन दिखा दिया, बार बार खोलने की जरूरत नहीं, जिस पे क्लिक करेंगे वो ऑप्शन आ जाएंगे आपके सामने, एक्सेस के ऑप्शन। ठीक है जी, तो इसमें अलग अलग तरह की फॉर्मेटिंग होती है, हम फॉर्मेटिंग को देखेंगे जिसके अंदर क्या क्या होता है। नॉर्मली सब कुछ सेम ही होता है, फिल जो भी कलर भरना हो हमने, नो फिल करेंगे तो ये वैसे हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट टाइप का हो जाएगा। फुल्ली ट्रांसपेरेंट करने के लिए हमें क्या करना होता है, प्लॉट एरिया को भी नो फिल में सेट करना होता है। ठीक है जी, अब आया है ट्रांसपेरेंट। ठीक है जी, तो पहले देखते हैं चार्ट एरिया को, चार्ट एरिया में कोई कलर भरना चाहते हैं यहाँ से सॉलिड फिल में तो अलग से कलर भर सकते हैं, ग्रेडियंट फिल में थोड़ा सा स्टाइल हो जाता है, उसमें दो तीन तरह के स्टाइल हैं, रेडियल वगैरह। ठीक है जी, स्टार्ट पोजीशन, स्टॉप पोजीशन से इनको सेट किया जा सकता है, ट्रांसपेरेंसी सेट की जा सकती है कलर की। ठीक है जी, पिक्चर और टेक्स्ट फिल, टेक्सचर, कोई भी टेक्सचर आप चूज कर सकते हैं इसमें, पहले से ही कुछ दिए हुए टेक्सचर अगर चाहिए तो, और नहीं तो कोई फाइल से आप पिक्चर उठा सकते हैं, फाइल पे क्लिक करेंगे कोई भी पिक्चर आप उठा सकते हैं। ठीक है जी, एक क्लिपबोर्ड का ऑप्शन आपको डिसेबल दिख रहा है, इसका मतलब होता है कि जैसे आपने कोई भी पिक्चर जो है ना इसमें थी और आपने कॉपी कर रखी है, कंट्रोल सी कर रखा है उसको, तो वो क्लिपबोर्ड में आ जाती है, क्लिपबोर्ड जैसे प्रेस करेंगे वो इसके अंदर चली जाएगी। क्लिप आर्ट माइक्रोसॉफ्ट के कुछ डिजाइन होते हैं पहले से ही, अभी इसमें इंस्टॉल नहीं है पर वैसे आप जानते होंगे क्लिप आर्ट के बारे में। ठीक है जी, तो जैसे कि मैं कह रहा था कि इसके अंदर कोई पिक्चर वैसे डालनी है मुझे, तो
मान लीजिए कोई एक पिक्चर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बाहर में, ये मान लीजिए पिक्चर है, तो इसको कंट्रोल सी कर दिया मैंने, अब फिर चार्ट पे चला गया फॉर्मेटिंग में, फॉर्मेट चार्ट एरिया, यहाँ पे क्लिपबोर्ड का ऑप्शन आ गया, क्लिपबोर्ड पे जैसे ही क्लिक करूंगा वो पिक्चर इधर आ जाएगी। ठीक है जी, तो एक्सेल के अंदर की पिक्चर्स को हम ऐसे सेट कर सकते हैं। ठीक है जी, देन ऑटोमेटिक में आपका कुछ भी नहीं आता, ब्लैंक व्हाइट कलर दिखाता रहता है। देन इसका बॉर्डर कलर देखेंगे बाहर, ये बॉर्डर्स जो दिखा रहा है। ठीक है जी, तो बॉर्डर कलर आप इसका बॉर्डर की फिलिंग है हटा सकते हैं, बॉर्डर कलर में नो लाइन तो एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाए, मतलब कोई लाइन नहीं दिखाएगा इसके आजू बाजू, सॉलिड लाइन में आप कलर चूज कर सकते हैं, लाइन का कलर क्या होना चाहिए, ग्रेडियंट इफेक्ट वाली लाइन होती है, ऑटोमेटिक नॉर्मल है। ठीक है जी, बॉर्डर के स्टाइल है, राउंड कैपिंग होनी चाहिए, जैसे राउंडेड कैपिंग होती है, यहाँ से ये राउंडेड कॉर्नर्स दिखाता है। बॉर्डर स्टाइल ज्वाइंट टाइप राउंड, यहाँ पे लाइन स्टाइल है, राउंडेड कॉर्नर। ठीक है जी, तो ये कॉर्नर्स राउंडेड आ गए इसके, विड्थ कितनी होनी चाहिए, तो ये मोटा पतला करने के लिए। ठीक है, शैडो चार्ट का जैसे ये नीचे शैडो दिखाने के लिए यहाँ से कोई भी एक स्टाइल चूज कर सकते हैं, जैसे ये दिया, हाँ इसको पहले नोपिंग कर दो। शेडो का साइज हम सेट कर सकते हैं। ठीक है जी, ब्लर कितनी करनी है, धुंधली, मतलब धुंधली कितनी करनी है, मतलब एक 3D टाइप का इफेक्ट आ जाता है। एंगल क्या होना चाहिए, एंगल यहाँ से चूज कर सकते हैं मैंने, कितनी दूरी पे होनी चाहिए। ठीक है जी, तो शेडो को हम थोड़ा बहुत कर सकते हैं, शेड का कलर भी चूज कर सकते हैं। 3D फॉर्मेट में ये इसका फॉर्मेट जो है वो 3D जैसा हो जाता है, तो ये 3D सा लुक आने लगा है। बॉर्डर में नो लाइन, तो ये देखिए 3D सा लुक आ रहा है इफेक्ट सा, तो 3D इफेक्ट्स वहां से सेट कर सकते हैं थोड़े बहुत। ठीक है जी, मटेरियल भी ऐसी है कि मतलब कि किसी भी ऐसा लगे कि लोहे के टुकड़े पे लिखा हुआ नहीं, तो ये मटेरियल है कुछ वायर फ्रेम्स। ठीक है जी, तो इस तरह से हमारी जो होती है फॉर्मेटिंग होती है इसकी चार्ट एरिया की, सेम आपको प्लॉट एरिया में मिलेगी, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, प्लॉट एरिया सेम। इसमें ये जो ग्रिड लाइंस हटानी है, कोई भी आपको चीजें हटानी है, तो जैसे ग्रिड लाइन है आपको दिखानी है नहीं दिखानी है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइन नो लाइन का ऑप्शन यहाँ पे है नहीं, बट इसको यहाँ से आप डिलीट का बटन प्रेस करते हैं हटा सकते हैं। ठीक है, प्लॉट एरिया को एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से, ताकि कितना बड़ा हमें चार्ट दिखाना है। ठीक है जी, बाकी इसमें लेजेंड में अपने फॉर्मेट बोल्ड इटैलिक या फिर इसका वो होता है कि पोजीशन टॉप में रखना है बॉटम में रखना है, और आप इसको वैसे भी हिला सकते हैं, तो इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्या फिल होना चाहिए, कलर कौन सा भरा होना चाहिए। ठीक है जी, तो छोटी मोटी फॉर्मेटिंग है इनके साथ। एक्सिस में थोड़ी सी एक फालतू चीज आ जाती है जो होता है अपना नंबर फॉर्मेटिंग। अब देखिए यहाँ नीचे तो नंबर फॉर्मेटिंग की जरूरत नहीं, पर जैसे यहाँ मान लीजिए आप करेंसीज की बात कर रहे हैं, तो आप करेंसीज नंबर फॉर्मेटिंग में करेंसी का वो कर सकते हैं, पूरे नंबर फॉर्मेट यहाँ पे चलता है।
ठीक है जी। कस्टम फॉर्मेट भी लगा सकते हैं यहाँ से स्पेशल, ठीक है जी। तो इसकी सेटिंग होती है एक्सिस में। बाकी जो आगे के ऑप्शन है इसमें कि टिक मार्क कौन कौन से लगे होने चाहिए, जैसे यहाँ पे अभी कोई भी टिक मार्क नहीं देख रहा, तो इनसाइड होने चाहिए जो छोटे छोटे निशान है ना, ये टिक मार्क। आउटसाइड होने चाहिए, क्रॉस होने चाहिए, आर पार। इसी तरह से यहाँ पे भी कर सकते हैं इन वाले एक्सेस में। तो एक तरह से ये टिक मार्क्स दिखा सकते हैं इसमें। बाकी इसमें कुछ भी नहीं, बाकी सेम वैसा ही है। लाइन कलर शेडो अलाइनमेंट, अलाइनमेंट में इनका अलाइनमेंट कैसा होना चाहिए। कई बार क्या आता है कॉलम ज्यादा हो गए। अब ये देखिए ज्यादा छोटा होता जा रहा है, तो ये अपने आप एडजस्ट कर रहा है। कई बार आप वैसे भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से भी कर सकते हैं इनको एडजस्ट, कैसे वर्टिकल अलाइनमेंट टॉप नहीं, ये टेक्स्ट का, टेक्स्ट की रोटेशन करके अपना स्पेस सेव कर सकते हैं। ठीक है जी। अभी जैसे सिंगल है तो आपको ये हो रही लेफ्ट सेंटर राइट में कुछ समझ नहीं आएगा, बट जैसे डबल होता संदीप सिंह होता तो ये आगे पीछे इनका अलाइनमेंट सेट हो जाती है इसमें। ठीक है जी। अभी वैसे कोई अंतर नहीं दिखाएगा। तो बाकी इसके अलावा इसमें ये डेटा पॉइंट्स की फॉर्मेटिंग है। देखिए डेटा पॉइंट्स की फॉर्मेटिंग दो ये होती है, जैसे अभी ये देख रहा है कि दोनों आसपास में, अगर आपको बीच में गैप चाहिए थोड़ा सा, जैसे ये है ना, ये बीच का दो दो डेटा के बीच का गैप, ठीक है जी। और इनके इन दोनों के बीच का अगर वो चाहिए तो ये सेपरेटेड ओवरलैप्ड वाला है, ठीक है जी। सेपरेटेड इतना कर देंगे तो वो आपस में सेपरेटेड हो जाएंगे, ओवरलैप कर देंगे तो एक दूसरे पर चढ़ी जाएंगे, ठीक है जी। बाकी इनके आप चाह रहे हैं कि कलर चेंज करने हैं तो बस क्लिक करके इनको जितना पार्ट सिलेक्टेड होगा उन पे अप्लाई होगा, ठीक है जी। फॉर्मेट डेटा सीरीज में अगर मैं यहां से फिल बदल दूं तो अभी सबका बदलेगा। पर किसी एक का बदलना हो तो इस पे जैसे किसी भी एक को इनके सिलेक्शन में एक बार क्लिक करेंगे सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, फिर किसी एक पे कर देंगे तो वो अकेला सिलेक्ट हो जाएगा। तो उसकी अगर कुछ सेटिंग करनी है तो अकेले उसकी सेटिंग आप कर सकते हैं अलग से किसी एक पार्ट के लिए। अब जैसे चार्ट टाइटल नहीं आ रहा, और चार्ट टाइटल आपको कहीं एक जगह से ही लेना है, जैसे यहां पे चार्ट टाइटल आना चाहिए एम्प्लॉई सेल्स, मैं चाहता हूं यहां से उठना चाहिए हर बार, ठीक है जी। यहां जो भी हो वो आए तो या तो यहां टाइप करना पड़ता है, आप नॉर्मली टाइप कर सकते हैं। आप चाहते हैं किसी जगह से उठाए तो एक काम कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट कर लीजिए टाइटल को, यहां पे जाइए फॉर्मूला बार में, इक्वल टू दबाइए और इस सेल को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है जी। आगे एक तरह से इस चार्ट टाइटल में आपने एक फॉर्मूला लगा दिया। कुछ इधर अगर मैं चेंज करता हूं तो यहां पे भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। बाकी डेटा चेंज होता है तो ये तो होता ही है। तो इस तरह से फॉर्मेटिंग करते हैं हम चार्ट्स की। अब मान लीजिए क्या है कि
ये मैंने बहुत अच्छा सा चार्ट बना दिया, फॉर्मेटिंग मैंने बड़ी मेहनत करके बना दी। सेम दूसरी जगह भी मुझे ऐसा ही चार्ट बनाना है। मान लीजिए डेटा कुछ और है इसमें, ये डेटा कुछ और है, मुझे चार्ट वैसा ही बनाना है। वैसा बनाना है मुझे, क्या करना पड़ेगा यहाँ से ना, इसको कॉपी करना है मुझे चार्ट को, और यहाँ गया इसको, इस पे क्लिक करके यहाँ पेस्ट एज पिक्चर, पेस्ट स्पेशल होता है ना, पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे और फॉर्मेट्स, उसके सारे फॉर्मेट इस पे अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है जी, जैसी फॉर्मेटिंग आपने चार्ट की यहाँ की थी वही सेम फॉर्मेटिंग इस पे आ जाएगी। ठीक है जी, अब क्या करते हैं, जैसे बाकी को देख लेते हैं, अपना कॉलम चार्ट और फॉर्मेटिंग आप समझ गए हैं, बाकी कॉलम चार्ट के आपने वो भी देख लिए। इसमें क्या करते हैं, जैसे अब मुझे डेटा टेबल वो ऐड करनी है, डेटा लेबल ऐड करने, जो लिखे हुए चाह रहा हूँ मैं, तो ऐड डेटा लेबल राइट क्लिक करके करेंगे तो डेटा लेबल ऐड हो जाएंगे, हर एक के लिए आपको अलग से करने पड़ेंगे। और डेटा लेबल ऐड हो गए, ठीक है जी, डेटा लेबल पे क्लिक करके इनकी सेटिंग भी कर सकते हैं, फॉर्मेट डेटा लेबल। ठीक है जी, इसमें क्या क्या दिखाना चाहिए लेबल में, सीरीज नेम सिलेक्ट करेंगे तो सीरीज नेम दिखाएगा साथ में, कैटेगरी नेम करेंगे तो किस कैटेगरी के वो दिखाएगा, वैल्यू क्लिक करते हैं तो वैल्यू दिखा रहा है, कहाँ होने चाहिए, सेंटर में होने चाहिए, इनसाइड एंड होने चाहिए, इनसाइड बेस होने चाहिए, आउटसाइड एंड होने चाहिए, इनकी पोजीशन को सेट किया जा सकता है। ठीक है जी, और इसकी अलाइनमेंट भी कर सकते हैं, अलाइनमेंट में जाके हम लोग इसकी जो है टेक्स्ट रोटेशन भी चेक कर सकते हैं। मान लीजिए लेवल ऑप्शन में मैं जाके यहाँ से सेंटर कर दिया, और ये बड़े बड़े हैं तो बीच में इस तरह से किए जा सकते हैं। ठीक है जी, इनको भी वैसे ही कर देता हूँ, सेंटर करके अलाइनमेंट में जाके यहाँ से सारे वैसे सेट हो गए। ठीक है जी, अब आप चाहते हैं कि इस पे एक ट्रेंड लाइन टाइप की ऐड हो जाए इस चार्ट पे, तो राइट क्लिक करके ऐड ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन आ गई। ठीक ट्रेंड लाइन आ गई, उसकी कैसे चलनी है, इसमें क्या करते हैं, मान लीजिए एक सेल्स है और एक टारगेट है, एक सेल्स है और ये टारगेट है दूसरा वाला, मुझे क्या करना है, चार्ट टाइप भी मैं यहां से चेंज कर सकता हूं, तो दूसरे वाले को ट्रेंड की तरह दिखाना है। ठीक है जी, तो मैं क्या करूंगा, यहां से ये सीरीज आप अलग अलग फॉर्मेट कर सकते हैं, तो चेंज सीरीज चार्ट टाइप क्लिक करके इसको मैंने लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दिया, तो सेल्स जो है मेरी ऐसे आ रही है और टारगेट मुझे ऐसे दिखा रहा है। ठीक है जी, यहां टारगेट ज्यादा था, यहाँ पे सेल्स कम है, ये थोड़ा ठीक ठाक सा था, आसपास का ही था। ठीक है जी, यहाँ सेल्स ज्यादा है, टारगेट कम है। ठीक है जी, तो एक का चार्ट टाइप आप आपस में स्विच कर सकते हैं,
लाइन वाले चार्ट इस तरह से करते हैं इसमें, मतलब सेम चार्ट में आपने कॉलम भी दे दिया और ये भी दे दिया, ठीक है जी। बाकी दूसरा लुक एंड फील भी दे सकते हैं इसको, मुझे एक गोल सा दिखाना है। अच्छा मतलब लाइन वाला ही ज्यादा कारगर है, बाकी इसमें कुछ नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद देखते हैं अपना अभी कॉलम चार्ट में देखते हैं, इसी में काफी सारे ऑप्शन पड़े हैं अभी। मान लीजिए बैंक है, यहाँ पे मेरे बैंक है और उसमें इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है, कुछ इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है मेरी, यहाँ पे मेरा आईसीआईसीआई बैंक है, एक एसबीआई बैंक है, एक एचडीएफसी है, एक एक्सिस है, ठीक है जी। अलग अलग तरह के बैंक है, मैंने क्या क्या चार्ट बना दिया इन्वेस्टमेंट का। देखिए हर एक बैंक जो है अलग अलग, इसमें नीचे वाले हेडर से इसको पहचानना मुश्किल हो रहा है कौन सा, ये थोड़ा सा ग्राफिकल इसको भी बनाना है मैंने। कैसा रहेगा कि अगर मैं इसमें लोगो लगा दूं, ठीक है जी। एक तरीका ये है कि आप पिक्चर कोई भी लाके यहाँ पे यूज कर सकते हैं, से मैं एक पिक्चर उठा लेता हूँ, SBI इमेजेस, मान लीजिए ये पिक्चर चाहिए मुझे, यहाँ आके मैंने पेस्ट कर दी, ये इमेज मैंने करनी है, रोटेट कर ली जैसी चाहिए मुझे, ठीक है। क्रॉप भी कर सकता हूँ, जैसे मुझे पूरा नहीं चाहिए तो पिक्चर में जाके मैं क्रॉप भी कर सकता हूँ, इतनी चाहिए हटा दें, इसको कॉपी किया मैंने और SBI जहाँ है खाली SBI को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा पॉइंट, फिल में गया और क्लिपबोर्ड, ठीक है जी SBI आ गया। मान लीजिए किसी का लोगो है नहीं जैसे HDFC का है, तो मैं अपना थोड़ा सा डिजाइनर इसको वैसे ही बना के क्लिप आर्ट से किसी शेप को लेकर इसमें गया, HDFC टाइप कर लिया मैंने, यहाँ से मैंने कोई इंटरेस्टिंग सा वो देख लिया कि ऐसा आ जाए, ऐसा बना लिया, यहाँ से मुझे कोई एक पसंद आ रहा है इस तरह से, ठीक है जी इस तरह कर लिया। फिर मैंने क्या किया, कॉपी किया और यहाँ पे है पेस्ट एज पिक्चर, क्योंकि शेप पिक्चर नहीं होती है, पेस्ट एज पिक्चर, पेस्ट एज पिक्चर इसलिए मैंने किया कि कंट्रोल सी करके भी मैं कॉपी एज पिक्चर भी करता था, पर क्या है ना अब देख रहे हैं कि पिक्चर बनाने के बाद कुछ गैप आ जा रहा है, तो गैप को पहले हटा देते हैं फिर इसको कॉपी करेंगे। तो ये मैंने क्या किया, कॉप कर लिया इसको, ताकि ये ब्लैंक स्पेस जो है वो ना आ जाए, तो मैंने कॉप कर लिया, रोटेट कर लिया क्योंकि रोटेशन भी एक फैक्टर है, देन कॉपी और HDFC पे गया मैं सिलेक्ट करके फॉर्मेट डेटा पॉइंट, फिल में जाके
क्लिपबोर्ड आ गया इश्यूज, ठीक है। तो इस तरह से इनको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। एंड फॉर्मेट को जैसे आप पेस्ट करते हैं ना, जैसे मैंने बताया था कि चार्ट का फॉर्मेट कॉपी हो जाता है, तो ये सब फॉर्मेट में ही आता है, ऐसे पिक्चर्स भी कॉपी हो जाती है, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, कल हम इसी में और आगे बाकी के चार्ट देखेंगे और कंट्रोल्स देखेंगे चार्ट के, ठीक है जी।